देश में कई ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने जन्म लिया है अपने फाउंडर के पैशन के कारण। नए आइडियाज के साथ कई एंटरप्रेन्योर्स बाजार में कदम रखते हैं और अपने प्रोडक्ट को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। ब्रांड बाजार के इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपके सामने रखते हैं केस स्टडीज ऐसी ही कुछ कंपनियों की और उन्हें मिलाते हैं एडवर्टाइजिंग और मीडिया एजेंसीज के एक्सपर्ट्स से। पले बड़े दिलीप कपूर ने इंटरनेशनल अफेयर्स में मास्टर्स और पीएचडी करने के बाद बतौर एक हॉबी लेदर बैग्स बनाना शुरू किया। केवल 25,000 रुपए के साथ शुरू किया हुआ ये लेदर ब्रांड आज लेदर लवर्स का चहिता ब्रांड बन गया है। आज हम जानेंगे इसी ब्रांड हाइडिजाइन की कहानी। दीपक कपूर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब अमेरिका से वापस देश लौटे तो उन्हें बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन यूएस में आखिरी 9 महीने उन्होंने एक लेदर फैक्ट्री में काम किया था जो उन्हें पसंद आया था। इसीलिए उन्होंने अलग अलग तरह के लेदर पर रिसर्च करनी शुरू की और एक मोची की मदद से बैग बनाने की शुरुआत की। पांडिचेरी का फेमस हेरिटेज होटल ड्यूप्ले हाइडिजाइन की ही प्रॉपर्टी है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, कुछ साल पहले ये होटल नहीं था। इनफैक्ट 1978 में यही से हाइडिजाइन के फाउंडर दिलीप कपूर ने अपना बिजनेस शुरू किया था और बिल्कुल इसी डेस्क पर उन्होंने अपना पहला चेक लिखा था। आज हाइडिजाइन के पास 70 से ज्यादा एक्सक्लूसिव स्टोर्स और 3 टैनरीज भी है। कपूर की सोच काफी हटके है और इसीलिए उनके प्रोडक्ट्स में भी ये अंदाज दिखाई देता है। जब उन्होंने हाइडिजाइन को देसी बाजार में उतारा तब बाजार में मौजूद दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स में प्योर लेदर वाली बात नहीं थी। हाइडिजाइन के रॉ और रफ लेदर की मजबूती लोगों को पसंद आई। ब्रांड ने शुरुआत से ही अपने स्टोर खोले और आज हाइडिजाइन देश के बड़े मॉल्स में मौजूद है, लेकिन अब बाजार में कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है और कई इंटरनेशनल ब्रांड्स भी आ गए हैं। जब मार्केट बड़ी हो जाती है तब अपने आप को ठीक से समझना और अपने जो वैल्यूज है उनको कंटिन्यू करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाइड्रोजन का ये एक फायदा है कि मतलब शुरुआत से उसके जो वैल्यूज थे वो कंटिन्यू होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो एक टाइप का कस्टमर है जिसको वही पसंद है कि प्रोडक्ट जो है नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल लेदर हम आर्टिफिशियल नहीं यूज करते, इकोलॉजिकल होना चाहिए, हम वेजिटेबल टैनिंग यूज करते हैं, सॉलिड ब्रास यूज करते हैं और डिजाइन हम कॉपी नहीं करते हैं। देश में हाई डिजाइन के खरीदार यंग प्रोफेशनल्स हैं। तेजी से बदलते कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, लोगों की जरूरतें और पैसा खर्च करने का अंदाज बदल रहा है। ऐसे में हाइडिजाइन ने अपने लिए एक बढ़िया फैन बेस तैयार कर लिया है। फिलहाल मैं पांडिचेरी में हाइडिजाइन के फ्लैगशिप स्टोर में खड़ी हूँ। वैसे कई एक्सक्लूसिव स्टोर्स और मॉल्स में प्रेजेंस के अलावा हाइडिजाइन काफी तेजी से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है और यही बात उनके लिए काफी फायदेमंद भी साबित हुई है। हाइडिजाइन ई कॉमर्स पर भी फोकस कर रहा है और इसमें भी उन्हें सफलता मिल रही है। पिछले साल तक सिर्फ 2 से 3% रही ब्रांड्स की ई कॉमर्स सेल, इस साल बढ़कर लगभग 20% तक पहुंच गई है। ई कॉमर्स ने हाइडिजाइन को मौका दिया है अपने ब्रांड को और कारोबार को एक रफ्तार देने में। आज ब्रांड का टर्नओवर 150 से 160 करोड़ का है और पिछले 7 से 8 साल से ब्रांड का फोकस देश के बाजार रहे हैं, लेकिन अब वो विदेशों में भी नाम कमाना चाहते हैं। हॉरिजॉन्टली हम एक्सपैंड हो रहे हैं, ब्रांड एक्सटेंशन कर रहे हैं। अब अगले महीने से हमारे शूज शुरू हो रहे हैं, हमारे सन ग्लासेस ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, उसके बाद में ऐसी एक्सेसरीज और भी आएंगी जैसे नोटबुक्स, पेन्स, इस टाइप की चीजें शुरू हो जाएंगी। और दूसरा यह है कि हाइडिजाइन का जो लाइफस्टाइल है शुरू से रहा है इंटरनेशनल। इस प्लान के साथ साथ हाइडिजाइन मीडिया और मार्केटिंग पर भी फोकस बढ़ा रहा है, जिसके चलते वो एक नई स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। ब्रांड बाजार में भी वक्त है छोटे से ब्रेक का। आगे खास बातचीत ब्रांड और स्टूडियो में आए हमारे कुछ एक्सपर्ट्स के साथ।
वेलकम बैक। हाई डिजाइन की कहानी हमने देखी, इनके प्रोडक्ट्स मैंने खुद आजमाए हैं और सही में काफी अच्छे और मजबूत होते हैं। पर अब सवाल ये है कि उतना ही मजबूत आप इस ब्रांड को कैसे बनाएं? इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में है तीन एक्सपर्ट्स, आशीष भसीन चेयरमैन एंड सीईओ साउथ एशिया डेंसू एजिस नेटवर्क, आशीष खजांची मैनेजिंग पार्टनर इनॉमस और धीरज सिन्हा चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया ग्रे वर्ल्ड वाइड। Three of you, welcome to the show. धीरज, आपके हिसाब से किस तरह का perception है हाई डिजाइन का market में? तो जो मुझे नजर आता है, मेरे ख्याल से product quality और product design के perspective से काफी अच्छा perception है, strong sort of product offering की नजर से देखा जाता है। But अगर visibility और ब्रांड वैल्यू के हिसाब से देखें तो शायद वहां पे गैप है। तो जो प्रोडक्ट के अंदर है वो शायद ब्रांड तक नहीं पहुंच पाया, इतने लोग एक प्राइड ऑफ वेयरिंग जो होता है और ज्यादा लोगों में हम वो कैसे फैलाएं, वो मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी इस ब्रांड में दिख रही है। आशीष, जिस तरह का प्रोडक्ट है उस तरह से, मतलब काफी अच्छा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन उस तरह का कम्युनिकेशन हो पाया है क्या उसके इर्द गिर्द? मेरे ख्याल से जैसे कि जो हाई डिजाइन ब्रांड है, ये बहुत ही यूनिक टाइप के ब्रांड में से होगा इंडिया में से, जिसका इतना पोटेंशियल है कि ये वर्ल्ड के नामी ब्रांड्स में से बन सकता है। जैसे बुलेट ने ये कर दिखाया है, ये एक इंडिया का ब्रांड है जो पूरे वर्ल्ड में प्राइड के साथ लिया जाता है। इस ब्रांड में वो सारा पोटेंशियल है। मेरे ख्याल से अभी क्या है, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट इक्विटी के ऊपर चल रहा है, उसकी एक्सटेंडेड इक्विटी क्या है, ह्यूगो बॉस फॉर एग्जांपल है जैसे फैशन ब्रांड्स के अंदर, इट्स ऑल अबाउट द प्रोडक्ट ओनली। बट उनका एक उनने एक अपना डीएनए ऐसा बना लिया है कि आपको पता है कि इस आदमी की लाइफ इस एड के बाहर में क्या होने वाली है। क्या ये घर पे फैमिली के साथ टाइम बिताएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल रैल्फ लॉरेन है, ओके ही इज अ स्पोर्टी गाय, ही स्पेंड्स टाइम विद हिज फैमिली एंड ऑल दैट। ह्यूगो बॉस इज नॉट इवन यू नो ही इज नॉट अ फैमिली गाय। तो उस टाइप की चीजें इसके अंदर एक्सटेंडेड इक्विटी क्या होगी बियॉन्ड प्रोडक्ट इक्विटी, वो आए वैसी टाइप की चीजें अगर कुछ बनाए, ये ब्रांड का इतना पोटेंशियल है कि वर्ल्ड के नामी ब्रांड्स में से हो सकता है। आशीष, मास मीडिया पर इनका प्रेजेंस कैसे होना चाहिए? इन्हें बहुत ज्यादा मास जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक थोड़ा सा प्रीमियम प्रोडक्ट है, इन्हें बहुत सिलेक्टिवली मीडिया पे जाना चाहिए। प्रिंट इनके लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि उसमें लुक एंड फील प्रोडक्ट का अच्छी तरह से आ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट इनके लिए एक मीडियम होगा क्योंकि इनके पास जाहिर है बहुत ज्यादा इतने बजट्स नहीं होते एंटरप्रेन्योर्स के साथ जितने मल्टीनेशनल्स के पास होते हैं, क्योंकि बजट भी उनके टाइट रहेंगे। इनके टारगेट ऑडियंस के लिए डिजिटल बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जो भी हाई डिजाइन यूजर है ऑलमोस्ट 100% वो इंटरनेट के यूजर्स होंगे, मोबाइल के यूजर्स होंगे, तो वो एक बहुत अच्छा जरिया है उनके साथ कनेक्ट करने का, उनके साथ एक डायलॉग बनाने का, एक कॉन्वर्सेशन करने का। तो इन्हें डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए बहुत ही हाई क्लास एडवर्टाइजिंग में, जो प्रिंट में हो, मे बी सिलेक्टेड आउटडोर्स में हो, एयरपोर्ट्स में हो, क्योंकि इनके जो भी टारगेट ऑडियंस हैं वो एयरपोर्ट से जरूर गुजरेंगे किसी समय, और जो डिजिटल पे हो। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी का एक कॉर्नरस्टोन होना चाहिए। धीरज, वर्किंग प्रोफेशनल्स को फिलहाल वो टारगेट कर रहे हैं, पहले मेट्रोज में मौजूद थे लेकिन उनके अभी यू नो स्टैंड अलोन एक्सक्लूसिव स्टोर्स कई दूसरे शहरों में भी है, उसके अलावा कई मॉल्स में, कई यू नो मल्टी ब्रांड रिटेल आउटलेट्स में भी हाई डिजाइन मिलता है। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वर्किंग प्रोफेशनल्स जो है हमारे देश के, उनके एस्पिरेशंस क्या है और उसे ध्यान में रख ये ब्रांड को क्या करना चाहिए? ये सबसे बड़ा जो मोटा मोटिवेशन इस देश में है और बहुत ब्रांड्स ने यूज भी किया है, जो अपग्रेड का जो मोटिवेशन है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, जिंदगी मेरी शाइनी और सेक्सी होती जा रही है हर दिन, किसी भी कैटेगरी में देखें तो वो एक बहुत ही इजी टू स्पॉट मोटिवेशन है। तो उसको हम कैसे अपील करें? लेकिन अपग्रेड जो हो रहा है वो सिर्फ सक्सेस की डायरेक्शन में नहीं हो रहा है इंडिया में। आजकल आप जो नए यंग लोग देखें, 35 साल के, 30 साल के, 25 साल के जो लोग हैं, वो एक जिंदगी की क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हर आदमी कुछ चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी बेहतर जीऊं, तो अगर मैं पैसे कमा रहा हूं वो ठीक है, कई मेरी हॉबीज क्या है, कोई फोटोग्राफी करना चाह रहा है, कोई कुछ और करना चाह रहा है, तो उस लाइफस्टाइल के अंतर्गत अगर ये ब्रांड अपने आप को लोकेट करे कि मैं एक ऐसी जिंदगी और एक ऐसी दिनचर्या को मैं सपोर्ट करता हूं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है ब्रांड के लिए। आशीष, यही बात क्रिएटिवली हम कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं? मैं शायद थोड़ा सा इस बात से सहमत नहीं होऊंगा। मैं कहूंगा कि ये इस ब्रांड का पोटेंशियल जो है
मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इस ब्रांड का पोटेंशियल है कि ये शायद ह्यूगो बॉस से कम्पीट कर सकता है। स्पेन से निकला हुआ जैसे एक ब्रांड है मसीमो दूती, ओके, एक तो स्पेन से निकल के उन्हें एक इटालियन नाम रखा, आज पूरे मतलब वर्ल्ड में एक नामी ब्रांड है। इट्स नॉट मसीमो दूती एक डिजाइनर भी नहीं है, राइट। सो इस ब्रांड के साथ ये पोटेंशियल है कि ये मसीमो दूती को चैलेंज कर सकता है, ऐसी ब्रांड्स तक को चैलेंज कर सकता है। मे बी यू नो यू नीड सम फंडिंग टू गो दैट ब्रॉड एंड स्टफ, बट आपकी अभी इलास्टिसिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे को बैग्स बहुत पसंद है, मैं अगर पूरा वो स्पेक्ट्रम देखूं, मैं आज आके एस्प्री तक पे टूट जाता हूं जो कि इससे सस्ते हैं, राइट। इस बैग की और मसीमो दूती की कीमत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मेरे को मसीमो दूती उधर दिखाई देता है, मेरे को लगता है हाई डिजाइन का पोटेंशियल है कि कहीं इसको पीछे छोड़ दे, वहां तक जाना चाहिए। मेरे हिसाब से यूटिलिटेरियन बैग नहीं है, राइट। आज अगर आप देखो लैपटॉप्स की ज्यादातर जरूरत ही नहीं है लोगों को, लोग अपना सारा काम मोबाइल वगैरह के ऊपर कर लेते हैं। ये एक एक्सेसरी है, इसका पोटेंशियल ये कि एक्सेसरी में उस लेवल पे जाए जहां पे इसको होना चाहिए। लग्जरी ब्रांड नॉट अ यूटिलिटेरियन ब्रांड आई थिंक। ई कॉमर्स पे मैंने जब उनसे बात की तो ई कॉमर्स का उन्हें काफी फायदा हुआ है, यू नो कुछ चंद चुनिंदा 70 आई थिंक एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं उनके हमारे देश में, लेकिन ई कॉमर्स की वजह से उन बाजारों तक पहुंच पाए हैं जहां पे प्रोबेबली एक स्टेट में एक स्टोर होगा, ऐसी जगहों पे वो पहुंच पाए हैं। तो आपने बात की डिजिटल मीडियम के इस्तेमाल की, किस तरह से और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं डिजिटल का? देखिए डिजिटल को जो बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं कि एक डायलॉग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अभी आप सब पैनलिस्ट से सुनिए वो क्या कह रहे हैं कि वो ब्रांड किसी इट शुड स्टैंड फॉर सर्टन लाइफस्टाइल, सर्टन क्वालिटी ऑफ लाइफ एटसेट्रा, वो कंज्यूमर से सुन सकते हैं क्योंकि डिजिटल एक ऐसा मीडियम है जो आपको इमीडिएटली फीडबैक देता है, जिससे आप एक तरफ बात नहीं कर रहे, दो तरफ बात हो सकती है। तो वो डिजिटल को यूज करके वो उस तरह से राइट चीज पे उसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसी नोट पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे चर्चा जारी रहेगी। हम चर्चा कर रहे हैं ब्रांड हाई डिजाइन की और मेरे साथ स्टूडियो में है तीन एक्सपर्ट्स, आशीष भसीन चेयरमैन एंड सीईओ साउथ एशिया डेंसू एजिस नेटवर्क, आशीष खजांची मैनेजिंग पार्टनर इनॉमस और धीरज सिन्हा चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया ग्रे वर्ल्ड वाइड। और जब मैं पांडिचेरी गई थी तब ब्रांड के फाउंडर दिलीप कपूर ने हमारे तीन एक्सपर्ट से पूछे थे तीन सवाल, देखते हैं वो पहला सवाल क्या है। हमारे मीडिया बाइंग अभी तक मेनली इंग्लिश मैगजीन्स में रही है और काफी नैरो, मतलब ऐसे इंग्लिश मैगजीन्स, फैशन मैगजीन्स और थोड़ी सी मैगजीन जहां न्यूज जैसे आउटलुक है, ऐसे न्यूज मैगजीन्स। लेकिन हम अभी समझते हैं कि हमको एक्सपैंड होना चाहिए और हमारा जो कस्टमर है वो मैगजीन्स कम पढ़ता है और वो ज्यादा अपनी एंटरटेनमेंट और न्यूज के लिए डिजिटल में जाता है, टेलीविजन जाता है, या मतलब ट्रैफिक जैम में जब फंस जाता है वो आउटडोर्स देखता है। तो कैसे हमको प्लान करना चाहिए, हमारा जो बजट है उसको कैसे डिवाइड करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए कि हाई डिजाइन के लिए कितना हमको प्रिंट मीडिया में डालना चाहिए, कितना हमको डिजिटल में डालना चाहिए, कितना हमको टेलीविजन में डालना चाहिए और कितना आउटडोर्स में डालना चाहिए। आशीष, जैसे मैंने पहले आपको बताया डिजिटल इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं अगर इनको रेकमेंड करूंगा कि उन्हें डिजिटल को अपनी पूरी मीडिया स्ट्रेटजी का कॉर्नरस्टोन बनाना चाहिए और उसके आसपास ही सब कुछ बिल्ड करना चाहिए। प्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हालांकि उनका यह भी कहना ठीक है कि कई मैगजीन्स की रीडरशिप इतनी बढ़ नहीं रही है या गिर रही है, पर कई ऐसे नीश मैगजीन्स हैं जिनसे वो अपने टारगेट ऑडियंस को डायरेक्टली रीच कर पाएंगे। आप एयरलाइन के मैगजीन्स देख लीजिए, कई और प्रोडक्ट्स के हाई एंड मैगजीन्स देख लीजिए, इन्हें सिर्फ हाई एंड गुड क्वालिटी जगह पे अपने प्रोडक्ट की एड्स डिस्प्ले करनी चाहिए क्योंकि इनका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, उसकी क्वालिटी एड की इतनी बढ़िया होनी चाहिए और मैगजीन इतना अच्छा होना चाहिए कि देखते ही आदमी का दिल करे कि ये है। दूसरा, इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि आउटडोर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे हर सिटी में दो तीन चार ऐसी जगह होती हैं जहां बहुत प्रीमियम साइट्स होती हैं या कोई मॉल होते हैं या मल्टीप्लेक्सेस होते हैं जहां पे काफी तादाद में लोग आते हैं, और आउटडोर एक ऐसा मीडियम है जो आपको बड़ा स्केल, एक तो नजदीक से आप देख सकते हैं ट्रैफिक की वजह से वहां फंसे रहते हैं, और बड़ा स्केल और अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन दे सकता है, बहुत
इनसाइड आउटडोर्स जो आउट ऑफ होम जो होता है प्लस जो आउटडोर है, एयरपोर्ट्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। मैं इस स्टेज पे रेकमेंड नहीं करूंगा कि इन्हें टेलीविजन में जाना चाहिए। लगभग मेरे हिसाब से अगर ये 30-35% अपना पैसा डिजिटल में डालेंगे तो ये इन्हें बहुत रिटर्न्स देगा, क्योंकि उसमें सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज कर सकते हैं जिससे इनकी सेल्स बढ़ेंगी डायरेक्टली और ये प्रीमियम भी चार्ज कर पाएंगे। ऑलराइट, देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। हमारा जो ब्रांड है उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है अब, ये है कि जो हमारा पहला जो कैंपेन हमने बनाया था कॉन्ट्रैक्ट के साथ, बहुत ही इनोवेटिव था, बहुत क्रिएटिव था और सबको बहुत पसंद आया था। उसके बाद में जब हम एजेंसीज के पास गए और हमने अपने कैंपेन्स बनाए, वो ऐसे लगते थे जैसे कि किसी बड़े एफएमसीजी ब्रांड के लिए बनाए गए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि हाइडिजन जैसा ब्रांड जो एक्सक्लूसिविटी ढूंढ रहा है, जो निश मार्केट के पास है, उसको किस टाइप का किस टाइप की एजेंसी, किस टाइप का क्रिएटिव पार्टनर उनको ढूंढना चाहिए और उस टाइप का पार्टनर कहां मिलता है? सर आपके सामने बैठा मुझे पता था एग्जैक्टली यही बोलोगे। तो उनका सवाल सुना आपने। सी आई मीन पार्टनर तो खैर मतलब जो ढूंढेंगे सो मतलब बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मेरे को याद है मैंने एडवर्टाइजिंग का करियर अपना तब चालू किया था। मैं रेडियो फ्यूजन में था और मैंने वो हाइडिजाइन के एड्स देखे, आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली ने वो बनाए थे, बहुत 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 खूबसूरत थे। सिर्फ इस वजह से नहीं कि उनकी फोटोग्राफी बहुत अच्छी थी या उसकी हेडलाइंस बहुत अच्छी थी, वो खूबसूरत इसलिए थे क्योंकि उनने बहुत क्लियरली उस टाइम के हिसाब से 93 या 94 की बात है, बहुत क्लियरली ये डिफाइन किया था कि भाई मेरा एज अ ब्रांड, एज अ पर्सनैलिटी मेरा एनिमी कौन है। और मेरे ख्याल से जो सबसे इंटरेस्टिंग ब्रांड्स हैं उनके दो लोग बहुत क्लियर होते हैं, तुम्हारे दोस्त कौन है, तुम्हारे दुश्मन कौन है। उनका दुश्मन उस टाइम इंडियन की किनो जो बहुत स्लॉपी टाइप का एक इंडिया होता था और कुछ भी उठा के चला गया, वो अपना पॉलिथीन का बैग उठा के चला गया या कोई भी कैनवस का बैग डाला, पीछे रक्सैक डाला। एग्जीक्यूटिव्स एट दैट टाइम वर पुटिंग ऑन हैवरसैक्स एंड कमिंग टू वर्क, सो दे गेव देम दिस न्यू ब्यूटिफुल वर्ल्ड व्यू ऑफ द वर्ल्ड कि बस ये सब तो इवॉल्व हो चुका है यार, यहां पे आ। ओके सो अभी जो भी आपके पार्टनर है आपको डिसाइड ये करना है कि आज की डेट चेंज हो गया, अब वो स्लॉपी चीज नहीं रही है कि दुनिया ही चेंज हो गई है, 60 और ब्रांड तब से आ चुके हैं। आज आपका एनिमी कौन है, आपके नीचे है, आपके ऊपर है, या आपके लोगों का माइंडसेट है, आपके एनिमी क्या है, उसके हिसाब से आप एडवर्टाइजिंग डिफाइन करो अपनी। आपके फ्रेंड्स कौन है तो आप वापस एक इंटरेस्टिंग ब्रांड हो सकते हो। बिल्कुल, देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। हाइडिजाइन जो ब्रांड है वो शुरू में हम खाली अपने एक्सक्लूसिव स्टोर्स में बेचते थे, तो उसपे अपने ब्रांड को कंट्रोल करना, उसकी एक्सक्लूसिविटी रखना, उसकी फीलिंग ऑफ लग्जरी रखना काफी इजी था। अब जो है हाइडिजाइन है एक्सक्लूसिव स्टोर्स में तो है, लेकिन हम डिपार्टमेंट स्टोर्स में भी हैं और ई कॉमर्स में भी हैं। तो अब उसकी जो एक्सक्लूसिविटी, जो फीलिंग ऑफ एक्सक्लूसिविटी लग्जरी है, वो कैसे रख सकते हैं हम, क्योंकि वो पूरा हमको ना कंट्रोल है और काफी मतलब मास हो रहा है। धीरज, तो जो इमेजरी का जो सवाल है, तो इमेजरी इनको ये करना है कि कंज्यूमर के माइंड में इमेजरी कैसे बने राधा देन वो इमेजरी दुकानों पर कैसे रहे। तो अभी तक जो हाई डिजाइन की जो इमेजरी है वो प्रोडक्ट में समाई हुई है, उनके दुकानों में समाई हुई है, कंज्यूमर के माइंड में लॉज नहीं हुई है उस प्रकार से जिस प्रकार से होना चाहिए। तो एक बार अगर कंज्यूमर एक स्टोरी में बिलीव करता है इस ब्रांड के, या तो वो इसके क्राफ्ट के अराउंड हो या उसके प्रोडक्ट के अराउंड हो या किसी आइडिया के अराउंड हो, एक बार वो स्टोरी में बिलीव करे और ब्रांड उस स्टोरी को हर जगह जिए जहां भी हो, जैसे हमने एक्सक्लूसिव स्टोर बनाए तो ये ना देखें सिर्फ वो प्रीमियम लुक एंड फील है, बट वहां पे वो ब्रांड की कहानी कैसे उभर के आ रही है। अगर क्राफ्ट की कहानी है तो कैसे उभर के आ रही है, अगर लेदर की कहानी है तो कैसे उभर के आ रही है। तो हर चीज बोलता है, हर चीज एडवर्टाइजिंग है, राइट? तो आपके जो लोग हैं सेल्स वाले वो बोलते हैं, जो जैसे आपने
प्रोडक्ट्स लगाए हैं वो, तो उसका जो फिल्टर वो ये सिर्फ ना हो कि हम प्रीमियम और एक्सक्लूसिव रखें, बट ब्रांड की कहानी हम कैसे निकाल कर ला रहे हैं। और एक बार कंज्यूमर वो कहानी देखेगा, चाहे वो कहीं भी देखे, आपके स्टोर पे देखे, एयरपोर्ट पे देखे, टेलीविजन पे देखे, वो इमेज में वो खरीद रहा है, फिर वो कहीं से भी खरीदे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो कहानी है मेरे हिसाब से वो भी प्रोडक्ट और शॉप्स में है, उसको हम कंज्यूमर दिमाग में अगर हम एक बार लॉन्च कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी हम कहां पे बेच रहे हैं। अभी हाइडिजाइन एक ऐसे मुकाम पर है जहां यू नो वो हॉरिजॉन्टली काफी एक्सपैंड कर रहा है, तो ऐसे में ब्रांड अपने आप को किस तरह से पोर्ट्रे करे? ह्यूगो बॉस की सारी इक्विटी उसके सूट से चालू होती है, उसके जैकेट से चालू होती है, उसके बाद उनके बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। ह्यूगो बॉस के सॉक्स तक आते हैं, राइट, बेल्ट्स आती है, सनग्लासेस आते हैं, परफ्यूम्स आते हैं, सब कुछ आता है। ओके, तो उनका जो स्पीयर हेड है उस पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का, इट्स ऑलवेज देयर सूट। अब चाहे वो बॉस ब्लैक है तो एक अलग टाइप का सूट है, बॉस ग्रीन है, बॉस ऑरेंज है, बट इट्स ऑलवेज द सूट, देन ऑल द अदर प्रोडक्ट्स राइड ऑन इट। धीरज, तो अगर आप एक्सेसरी ब्रांड्स की बात देखें या फैशन ब्रांड्स की बात देखें तो एक एटीट्यूड का एलिमेंट होता है उसमें। तो अभी जो है प्रोडक्ट का एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है। आप अगर चार लोगों से बात करें तो सारे जो टॉप ऑफ माइंड एसोसिएशन है वो प्रोडक्ट के अराउंड है कि लेदर इतना अच्छा है, डिजाइन इतने अच्छे हैं, कट्स इतने अच्छे हैं, एक एटीट्यूड और एक इमेजरी भर के नहीं आ रही है ब्रांड से। तो एक अगर आप स्टाइल ब्रांड बनना चाहते हैं, फैशन ब्रांड बनना चाहते हैं, एक्सेसरी ब्रांड बनना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि लोग आपके चश्मा पहन के और ऐसे घूमे, तो एक एलिमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ब्रांड में एड करने की बहुत ही सख्त जरूरत है। आशीष, देखिए ये सब है पर इसके अलावा मेरे दिमाग में एक और चीज है कि इनका ब्रांड लेदर के साथ बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड है और उस ब्रांड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि इस जैसा लेदर प्रोडक्ट आपको कहीं मिल नहीं सकता। इन्हें ये कभी डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ उस लाइंस में जाएं जहां चाहे आप जरा सा लेदर यूज हुआ हो या लेदर की फील हो या लेदर का लुक हो, बट किसी तरह से वो लेदर के साथ कनेक्ट इन्हें नहीं लूज करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ब्रांड बहुत डिफ्यूज हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि ब्रांड का एनवायरमेंट कंट्रोल करना ब्रांड ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब वो ये नहीं कह सकते कि पहले मेरे पास 70 दुकानें थी, मैं सब कंट्रोल कर सकता था, अब 700 दुकानें हैं तो मैं क्या करूं। अगर वो फर्ज कर लो किसी शॉप इन शॉप ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उनको ऑलमोस्ट एक तरह से ब्रांड मैनुअल बनाना पड़ेगा। उसकी लाइटिंग क्या होनी चाहिए, फील कैसे होना चाहिए, कैसे डिस्प्ले होना चाहिए, किस तरह के, ऑलमोस्ट कोडिफाई करना, क्योंकि अब वो प्रोडक्ट से ब्रांड बन रहा है, वो एक तरह से एक ब्रांड बुक, ब्रांड गाइड बन जाता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @awaazbb पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर।